10 लाख रुपए के नकली नोटों और मशीन के साथ भिंड पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर एसडीओपी आरकेएस राठौर के मार्गदर्शन में अमायन थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव, साइबर प्रभारी शिव प्रताप राजावत ने मुखबिर की सूचना पर अमायन के पास मरिया नाका तिराहा पर देखा तो 3 लोग हाथ में पैसे लेकर गिन रहे थे। मुखबिर की सूचना सही पाए जाने पर तीनों आरोपितों को चारों तरफ से घेराबंदी कर पकड़ा तो उनके कब्जे से 2,1900 रुपये, 10,05,000 रुपये के नकली नोट और प्रिंटर जब्त कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए एसडीओपी महगांव के अंतर्गत एक टीम थी, जिसने थाना प्रभारी अमायन और साइबर की भिंड की टीम थी। इन लोगों ने सूचना के आधार पर काम करते हुए थाना अमायन का मड़ैयन तिराहा के पास नाका के पास एक गिरराज ढाबा है, जिसके पीछे कुछ लोगों की नकली नोट खपाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध लोगों को राउंडअप किया। उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 2000 के और 200 के कुछ नोट जो है वो पुलिस ने बरामद किए, जो चेक करने पर नकली नोट पाए गए। उनकी निशादेही पर पुलिस ने जब सर्चिंग की तो पुलिस को उन नोट के संबंध में उसको छापने वाले प्रिंटर वगैरह पुलिस को बरामद हुए। इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को राउंडअप किया है। उनके 2 साथी जो हैं जो इस मामले में संलिप्त थे वो अभी फरार हैं। इन आरोपियों के ऊपर पूर्व में थाना मऊ भिंड में नकली नोटों के विषय में एक मामला पंजीबद्ध हो चुका है और एसटीएफ के द्वारा भी इन पर नकली नोटों का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है। इनके आरोपियों के अभी पीआर लेकर इनसे इस बारे में और जानकारी एकत्रित की जा रही है कि पूर्व में इनके द्वारा जो हैं वो कितने नोट छापे गए थे और उनको कहाँ कहाँ किस प्रकार